नमस्ते, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। ये मैंने कुशन कवर बना लिए, पुराने स्वेटर दिखाए थे ना आप लोगों को, तो इसलिए मैंने डिजाइन विजाइन तो कुछ डाला नहीं, ऐसी प्लेन बना लिए। लेकिन इस तरीके से बनाया कि इसमें ये डबल ये ऐसे डालने वाले बीच में से, आप चाहो तो बटन लगा सकते हो, वैसे बटन की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने बनाए, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ से कैसे शुरुआत करी। और प्लेन है एकदम से, आप लोग सब बना सकते हो, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाए। ये देखो, ये पहले मैंने गोल्ड रिंग बना ली, ये मैजिक रिंग भी बोलते हैं इसे, तीन। फिर ये ऐसे बुनना है, ये छोड़ देने हैं दो, ठीक। फिर ये तीसरी बार बुने, फिर तीन का एक, फिर एक दो तीन, तीन चेन ले ली। फिर इसी तरीके से हमने आठ बारी बनाना है, तो दो बन गए तीन, ये तीन बुन गए। फिर इन चारों का हमने एक बना देना है, फिर एक दो तीन, इसी तरह से हमने ये आठ छेद होने चाहिए हमारा, जैसे एक ये दो हो गया। तो अभी हम और बनाएंगे, एक दो तीन, इस तरीके से हमने ये पूरी गोल्ड रिंग भर देनी है, इसी तरीके से भर देनी। देखो इस तरीके से बन गया ऐसे, एक दो तीन। फिर हमने यहाँ इसको ज्वाइंट कर देना है, ऐसे ज्वाइंट कर लिया ये। अब ये बन गए हमारे आठ छेद, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। अब हमें इसके अंदर ले जाके ऐसे, यहाँ भी हमने ऐसे ही बनाना है। देखो तीन बनाए, इसके बाद एक कर दिया, एक दो तीन, ठीक। फिर इसी में से ऐसे बुनना, दो तीन ऐसे, एक दो। इसके बाद हमने इसमें चार ले लेने, एक दो तीन चार, फिर दो चेन ले लेनी है। फिर इसमें भी हमने इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे बनाया, इसी तरीके से बनाना है ऐसे, एक दो तीन, फिर ये, फिर एक दो तीन, तीन चेन इसके अंदर लेनी है, एक दो तीन। फिर इनका एक बना दिया, फिर एक दो, दो चेन लेनी है। फिर इसके बाद हमें चार बनाने हैं इसके अंदर, दो तीन चार, फिर दो चेन। ये जो है, ये जो चार बना रहे हैं हम, इसके अंदर ये भरता जाएगा। ये जो हम चार ये किनारे ये बना रहे हैं, चुटिया बना रहे हैं, तो ये इनके अंदर जो हम चार ले रहे हैं वो इनमें ले रहे हैं, इनमें बढ़ेंगे, ये ऐसे ही बनता चला जाएगा। देखो दो, पहले हमने ये तीन चावल लेने, फिर ये एक बना देना, फिर तीन चेन लेनी इसके बीच में तीन, फिर इसी इसमें हमें फिर इसी तरीके से लेना है। देखो दो तीन, फिर इनका एक, फिर एक दो, दो हमने वो लेने हैं यहाँ पे लेने, जहाँ पे हमने चार लेने उसके बगल में हमने दो लेने हैं, तीन चार, फिर दो चेन। फिर हमने इसको यहाँ ज्वाइंट कर देना है ऐसे, फिर इसके अंदर ले जाएंगे। अब इसमें फिर हमने चुटिया वाला ही बनाना है, जो हम चुटिया वाला बना रहे हैं, ठीक है। ये चुटिया वाला जो बना रहे हैं, इसी के अंदर ही बनता चला जाएगा।
तीन बन गए, एक दो तीन, तीन चेन लेनी है पूरे ऊपर तक, तीन चेन इसके अंदर जो हमारे चुटिया बन रही है, देखो एक दो तीन, फिर इनका एक, फिर एक दो। अब हमने यहाँ बढ़ाने हैं, अब हमने इसके साइड में जो चार बनाए थे, चार के साइड में अब हमने दो दो बढ़ाते जाना है। देखो दो हमने ये बढ़ा दिए, अब बाकी चार हमारे ये हैं, एक दो तीन चार, और दो फिर यहाँ बढ़ाने, देखो एक दो, फिर दो चेन, फिर इसमें भी चुटिया, फिर ऐसे करके ये बढ़ता चला जाएगा। मेन चीज ये है कि जो छोटी सी बन रही है इसी से सारा गेटअप आएगा, वो मोटी सी अच्छी लग रही है। बनाने को तो वैसे भी बना सकते हैं हम, जैसे हम बनाते हैं चार वाले का, लेकिन इससे सुंदर लग रहा है। ठीक है, दो चेन ले ली, फिर यहाँ हमारे बढ़ जाएंगे दो, यहाँ देखो ये चोटी बनती जाएगी, यहाँ हमारे बढ़ते जाएंगे, दो हमने यहाँ बढ़ा लिए, अभी हमें दो और बढ़ाने हैं इधर साइड में। ऐसे बढ़ता, जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा आप बना सकते हो, जितना छोटा चाहे उतना ही आपका छोटे कुशन के लिए हो जाएगा। फिर दो चेन ली, फिर इसके अंदर ऐसे एक दो तीन, इसके अंदर तीन चेन लेनी होती है, और यहाँ पे हमें दो चेन लेनी होती है, यहाँ पे हमें दो चेन लेनी होती है, इसके अंदर हमें तीन चेन लेनी होती है। ये ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, बस ये ध्यान रखना आपको बनाने हैं। जो हमारी चुटिया जा रही है इसमें तीन चेन आएंगी और साइड में दो आएंगे, दो ही आएंगी, और ये बढ़ते चले जाएंगे। देखो ये बढ़ते चले जा रहे हैं ना, अब आप देखो ये बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसी तरीके से बनाना है, ये लाइन पूरी हो जाए। अभी लाइन हो गई हमारी, अब हमने इसको यहाँ ज्वाइंट करके ये धागा कट कर देना है, तो दूसरा लगाना है। ठीक, ये मैंने कट कर दिया, अब यहाँ से दूसरा धागा लगा लिया, फिर इसी तरीके से ये चोटी बनाती जानी है, एक दो तीन, चेन तीन ही लेने, इसी तरीके से ये बनता चला जाएगा। ऐसे देखो ऐसे, फिर एक दो, दो ही चेन लेने, फिर यहाँ दो दो बढ़ते चले जाएंगे, इसी तरीके से ये बनता चला जाएगा। फिर इसी तरीके से भी देखो, जब ये इतना बड़ा हो जाएगा तो खाली एक आउटलाइन इसकी देनी है। अब ये बताती हूँ मैं कि पीछे का कैसे बनाया मैंने। तो ये इतना बड़ा बन गया, तो इसमें अभी हम यहीं से वापस हो जाएंगे, एक लाइन बन गई हमारी, ये आउटलाइन एक बन गई, तो यहीं से हम वापस हो जाएंगे। देखो एक लाइन यहाँ तक लाऊँ, अब यहाँ से हमने वापस होना है, तो यहाँ हमने पांच हमने बॉर्डर के बना दिए पांच, फिर हमने एक चेन छोड़ के एक चेन डालनी है, एक छोड़ देना, एक में डालना है, ऐसे इसी तरीके से ये इस तरीके से ये बनता चला जाएगा। फिर देखो एक छोड़ दिया, एक चेन ले ली, एक छोड़ दिया, दूसरे में डाला, इस तरीके से ये इस तरीके से हमने पूरी लाइन कर देनी है। ये देखो इसी तरीके से पांच हमने बॉर्डर के इधर करने, पांच हमने इधर करने हैं। जब ये लाइन पूरी हो जाएगी बताती हूँ आगे कैसे बनाना है। ये हो गया, देखो ये वापस जा रही हूँ, अब पांच ये फिर बॉर्डर के बना लिए, फिर एक चेन डाल के, फिर ऐसे करके बनाते जाना है। एक चेन डाल के एक इसी तरीके से बनाना है, और दूसरी तरफ से भी, फिर दूसरी साइड से भी, फिर ये धागा यहाँ से लगा के, और यहाँ इसी तरीके से ये बनाना है। बस एक काम और करना है कि इसमें हमने दो बनाए हैं, दो लाइन, तीन लाइन बनाई हैं हमने बॉर्डर की, तो इसमें हमने पांच बनाए, क्योंकि ये ऊपर नीचे इस तरीके से चढ़ेगा सिलाई में, तो तब जाके ये कवर बन जाएगा, ये पूरा इस तरीके से कवर बन जाएगा। देखो देखो गद्दी चढ़ाने में भी
ये इस तरीके से। देखो इस तरीके से आ गया ये, देखो ये सीधी साइड हो गया इसका, ये उल्टी साइड हो गया इसका, ये देखो इस तरीके से। अभी मैं इसके ये लेस बना दूंगी, ये किनारी मैंने थोड़ी बना रखी, थोड़ी और ये बताती हूँ आपको, ये इधर से लेस जहाँ जहाँ सिलाई है वहाँ वहाँ ऊपर से ये लेस बनती चली जाएगी। यूँ आपको मैं पहले लेस बनाना सिखाती हूँ। बस ये खाली ये ले लिया, ये इसी तरीके से ये बिल्कुल सिलाई है दोनों की, इस सिलाई के ऊपर से ही ऐसे उठा के किनारे में इस तरीके से लेस बन जाएगी। जैसे इसकी लेस बनी हुई है ये चारों तरफ, बाकी तुम्हारी मर्जी, जो बड़ा बनाना चाहो तो बड़ा बना सकते हो। और ये इसी तरीके से बनेगा, ये शुरू में थोड़ा सा लगता है कि ये थोड़ा टाइट है लेकिन जब कुशन में घुस जाता है, कुशन में डालो तो बराबर आ जाता है। थैंक यू, और मुझे लाइक शेयर ज़रूर करना, मुझे कमेंट ज़रूर करना, और मेरी वीडियो पसंद आई मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। प्लीज़ मुझे ना सब्सक्राइब करना, जिन लोगों ने कर लिया वो ना करें, क्योंकि वो दोबारा करते हैं, कई लोगों को पता नहीं होता है कि सब्सक्राइब एक ही बार होता है, तो दोबारा सब्सक्राइब ना करें प्लीज़। तो फिर दोबारा से सब्सक्राइब करते हैं लोग तो फिर मेरे मेंबर हट जाते हैं। तो देखो मैं 5 बनाऊंगी, अभी मेरे ये 3 बन गए और चौथा मेरा ये आधा है, अभी ये आधा बना है और पांचवा मैंने अभी स्टार्ट करा है। थैंक यू, मुझे कमेंट ज़रूर करना, मुझे लाइक ज़रूर करना, मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना, जो मेरे नए व्यूज होंगे तो मेरे को, और देख के करना प्लीज़, देख के करना। थैंक यू।